हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय कार सर्विस। तो आज जो हमारे पास ये ब्रीज़ा गाड़ी आई है, इसमें जो है कस्टमर को फैक्ट्री फिट स्टीरियो, ब्रीज़ा का ZDI प्लस मॉडल है। इसमें कंपनी का स्टीरियो बहुत बढ़िया होगा, तो कस्टमर को जो फैक्ट्री फिटेड स्पीकर से जो सेटिस्फेक्शन थी, तो कस्टमर को जो है बिना वूफर के स्पीकर से ही सूदिंग बेस और क्लैरिटी शार्पनेस, मतलब बेसिकली ओवरऑल उसको साउंड जो है एनहेंसमेंट चाहिए थी, जिसमें वूफर वगैरह ना लगे, बिना वूफर के सिर्फ डोर स्पीकर्स में। तो प्लस जो है हमारे व्यूअर्स और हमारे कस्टमर काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हमें सर डैम्पिंग ही लगाते हैं, फोटो वीडियो बना के भेजिए थोड़ा, कहीं जैसे हमारे से लोग डैम्पिंग मंगाते हैं तो उनको थोड़ा आसपास एसेसरी शॉप नहीं मिल पाती, तो खुद ही लगाना चाहते हैं, तो खुद पूछते हैं कि हमें डैम्पिंग बताइए कैसे रखते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको डैम्पिंग का दिखाता हूँ, हम कैसे डैम्पिंग की फिक्सिंग वगैरह करते हैं। ये देखिए हमारे नवीन उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी, ये क्या अंदर डैम्पिंग लगा रहे हो, बताओ इसको कैसे अपने शीट को, बस एक बार थोड़ा समझाएंगे बताएंगे व्यूअर्स को। इसको पूरा लगाना पड़ता है अंदर से भी और बाहर से। एक शीट बस अंदर से तुमने कैसे डाली है उसको, टू पीसेस में करी है कैसे करी है? ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर शीट है हमारी, इसको हमने, ये पूरी एक शीट आती है, इसको टू पीसेस में कट कर लिया, फिर इसको हमने अंदर से, इसके अंदर ये गम होती है, पेस्टिंग अपना ये हटाई और अपने इसको अंदर फिक्स करके, फिर ये हमारे पास ये रोलर होता है। ऐसे आपको वहाँ पर रोलर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से इसको प्रेसिंग कर सकते हैं। ये देखिए अंदर डोर के अंदर वाले पार्ट में डैम्पिंग लग रही है, ये पूरी वैसे अंदर फिक्स हो चुकी है। अब एक बार आप बाहर का थोड़ा सा दिखाइए, बाहर का थोड़ा सा समझ आ जाएगा थोड़ा कस्टमर को। ये हमारी STP की 2mm की डैम्पिंग है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की डैम्पिंग है। इसकी मैं कॉस्टिंग भी आपको बताऊँगा, अभी आपको थोड़ा सा लगाने का प्रोसेस बता दूँ। ये देखिए उस्ताद जी हमारे डैम्पिंग लगा रहे हैं, ये देखिए, कोई ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी वर्क है। एक अच्छा कटर ब्लेड या कुछ भी आप लेके उसको कटिंग कर सकते हैं, प्लस साथ में अब जैसे मैंने बताया रोलर नहीं है तो आप ऐसे हाथ से पेस्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये STP की 2mm की डैम्पिंग शीट, ये हमारी अंदर तो लग चुकी है, बस बाहर भी ऐसे एक पीस अब यहाँ पर पूरा लग जाएगा। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, हमारा आगे लग चुकी है, ये देखिए, ये आगे के डोर पर डैम्पिंग लग चुकी है हमारी, ये पूरी, इसमें हमने जो है एक डोर पे डबल डबल डैम्पिंग करी है, एक शीट अंदर और एक शीट बाहर। ये देखिए लगने के बाद पूरा ऐसा आएगा इसमें। प्लस अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमने जो स्टीरियो सिस्टम अपग्रेडेशन किया है, इसमें हमने जो है फोकल के कंपोनेंट स्पीकर्स लगाए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के फोकल के कॉम्पोनेंट स्पीकर हैं। ट्यूटर हम इसके अंदर फिट कर चुके हैं, क्रॉस ओवर हमारा इसके अंदर है, ये जो है, और इसमें देखेंगे आप, ये हमने जो ये है जो स्पीकर्स के लिए एक रिंग लगाए हैं, इसको वाटर गार्ड भी कहते हैं। तो जो है इसमें हमने फोकल का कंपोनेंट स्पीकर, चारों डोर में फोकल के कंपोनेंट स्पीकर लग रहे हैं हमारे। खैर हमारे आगे के दो हो चुके हैं, हमारे पीछे के भी तो रहते हैं एक्चुअली। एक तो हमारे जो ये फोटोग्राफर साहब है, ये बहुत बिजी हैं, इनका बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है, एक दो दिन में आपको इनसे भी मिलवाऊँगा, तो आपको थोड़े दिनों में इसका भी डिस्क्रिप्शन डालूंगा। अगर आप लोगों को बहुत कहीं बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करानी हो, फोटोग्राफी करानी हो, फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी करानी हो, तो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, मैं नीचे इनका भी नंबर दूंगा। अब भैया मैं इसमें आपको साउंड टेस्ट करवाता हूँ, तो ये देखिए मैं इसमें आपको साउंड की टेस्टिंग करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसमें जो हम आगे के फोकल के कंपोनेंट फिट हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारे फोटोग्राफर के बिज़ी होने की वजह से थोड़ा सा हमें जल्दी वीडियो बनानी पड़ रही है। ये देखिए इसमें साउंड क्वालिटी, बेस सूदिंग बेस, ये देखिए क्लैरिटी शार्पनेस, हर चीज़ प्रॉपर, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा फोकल के कंपोनेंट्स, इसमें हम चारों डोज में फोकल कंपोनेंट्स विद डैम्पिंग। अब इसमें फ़िलहाल तो कस्टमर की यही रिक्वायरमेंट है और उनको साउंड बहुत पसंद भी आ चुकी है। अभी तो हमने दो ही स्पीकर फिट करे, दो स्पीकर में गया था तो उन्हें मज़ा आ गया, अभी उनमें कन्फ्यूजन थी एक्चुअली, उनकी कोई चॉइस ही थी, उनको बस हमारे पे ट्रस्ट करके उन्होंने चीज़ बताई कि आप भैया कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे मेरे को बस मेरी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दो सिर्फ। तो दो स्पीकर में खुश होकर अंदर आराम से जाके बैठ चुके हैं। अब बाकी हमारे, जैसे मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे फोटोग्राफर साहब, साहिल नाम है इनका, इनका नंबर भी मैं नीचे जरूर दूंगा, तो इनको थोड़ा जाना था तो मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा इस सेटअप को जल्दी से वो करके आपको सिर्फ दो स्पीकर्स की साउंड ही सुनाता हूँ। बाकी ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया, बहुत सूदिंग और बहुत बेहतरीन क्वालिटी की साउंड है। तो ये हमारे फोकल के कॉम्पोनेंट, तो आज हमारी ब्रीज़ा गाड़ी,
इसमें हमने अभी और काफ़ी अपग्रेडेशन करनी है। इसमें भी तो वैसे कस्टमर कह रहे हैं मेरे को ठीक है बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी ठीक है अगर हम इसमें बेस लगाएंगे, और प्लस इसमें हमने थोड़े दिनों में एंड्रॉयड की भी अपग्रेडेशन करनी है, तो वो भी आपके साथ जरूर वीडियो शेयर करूँगा। और आप सभी दोस्तों को मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के प्यार और आप लोगों की दुआओं की वजह से हम एक अपने थोड़े दिनों में एक ऑडियो का एक नया सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया काउंटर खोलने वाले हैं, उसमें सारी हमारी फुल ऑडियो की अपना इकोनॉमिकल रेंज, हाई रेंज, हर एक तरह की रेंज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी ही आप लोगों के साथ जो जब मेरा आउटलेट स्टार्ट करूँगा तो वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये था हमारा आज का फ़िलहाल तो ब्रीज़ा का सिस्टम अपग्रेडेशन। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अपनी अगली वीडियो में अपने नए प्रोडक्ट के साथ। गुड बाय दोस्तों।